आसानिया तेरे को क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ? मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं वो जो 27 मैं चिक चिक के बोला था कि 27 नहीं लेना है, और उसके बाद तुम सारा चीज मैंने लिख के दिया था। मतलब आज बंटी गलत है। डाल दिया दोनों में। कितना जल्दी कितना डाली? वाह भाई, तू तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस से भेजा तेरे। बोलिए जी सर। सर ये मेरा कितने तक? 18 तक। हमको बोला है 20 तक, कोई बच्चा ही बोला? मैंने तो फिर बोला। कौन सा मैनेजर बोला? मैनेजर मेरी चाचा लगती है। देखो ऑनलाइन में कोई आया है क्या? आशीष, सुबह में जो क्वेश्चन किए थे उसको सॉल्व किया क्या? बोलो ना। देखो ध्यान से देखो, कोई हल्ला मत करो। ड्रिप वेलोसिटी जो था VD, ये आया था 0.43 meter per second, ठीक है? मतलब ये आएगा। और जो तुम्हारा VRMS है, VRMS जो आएगा 1.17 × 10⁵ meter per second। ध्यान रहे कि आप टेम्परेचर 27 नहीं, 27 प्लस 273 = 300 केल्विन लेंगे, तब आएगा ये सब, ठीक है? और VD अपन VRMS ये हो जाएगा 30/10, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.67 × 10⁻¹, ठीक है? और ये होगा आपका एक आंसर, दो आंसर और ये तीसरा आंसर, तीनों आंसर है, ठीक है? फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि अगर गलत हुआ तो फिर हम सॉल्व करेंगे। नहीं घर पे अभी पढ़ लेते हैं। ग्रेस, ये क्वेश्चन हुआ था जो हमने होमवर्क दिया था सुबह में? अरे चुप। तानिया सुबह में कहाँ थे? आई थी क्या तानिया? नहीं थी। अच्छा थी, आते थी। परमिता नहीं आई है, नसील नरियान, ये दोनों आलसी हो गए आजकल। परमिता सिल और रियान, सीएस कर आज नहीं आई थी ना? तो बैठी थी ना। बड़े मुश्किल से नाम याद किया, बंटा आ रहा था मुँह में, फिर बोला कि नहीं अभी तुम बोल ही नहीं रहा। अभी बाहर में मैं बात कर रहा था, उसको आवाज दे रहा था, ये अंदर बैठा था, आई नहीं रहा। मैं मोबाइल की तरफ देख के बोल रहा हूँ, पेरेंट्स सोच रहे यार ये क्या बोल रहे हैं। सर एक बात बोलो आप प्लीज, पिनाकी को हिंदी सिखा दीजिए सर, उसके लिए हम लोगों का स्कूल में तो क्या जल्दी हो जाते हैं। आता तो है बोलना इसको, जी जू क्या सही है?
सर अभी आज आपने बोला गम, बोले कि गम का मतलब क्या है रसानिया, आप बोलिए तो उसको बताओ ना, इसमें गलत क्या है, पूछो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। गम का मतलब होता है, सुनो, दुखी होना। देखो अगला टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। कहाँ चल रहा है, नहीं डाली थी डे पीने की झूठी इंक नहीं डाली है, हेलो हाँ के हाँ हाँ भेज दे। अच्छा एक पेज पे एक दोनों साइड कर दो या मतलब एक पेज पे दो पेज, मतलब छोटा छोटा करके या बड़ा? हाँ मैं भेज दे शुक्रिया। एक पेज पे चाइल्ड को भेजो तो सस्ते पड़े हैं, पहने के आसपास पड़े थे ना, और अभी अभी 9:30 पे हो गया क्या? मैं लिख भी रहा हूँ, कहाँ लिख रहे हो? ये लोग अभी तक शुरू भी नहीं किए। मैंने खत्म न्यू इज इक्वल टू वी डी बाय ई। देखो द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, उसी को बोलेंगे तुम्हारा मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। ऐसा यूनिट जो होता है मोबिलिटी का, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर वी इनवर्स एस इनवर्स, ठीक है, पर सेकंड। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको मिटा दो, ऊपर का स्टेटमेंट लिख लिया सबने? ग्रेस एचू? हाँ सर। हाँ सर। चुप। देखो अब यहाँ पे कुछ मतलब कुछ रेगुलेशन है, इनको सीख लो। VD जो होता था वो क्या होता था? QE tau by M होता था। अब mu जो होता है वो तुम्हारा होता है VD by E। क्या होता है? VD by E। तो VD को E से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे VD का वैल्यू पुट कर देते तो क्या हो जाएगा? QE tau टावर कनेक्ट tau डिवाइडेड बाय ME। E से E कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? Q tau by M। Q tau by M जो तुम्हारा मोबिलिटी आया वो क्या आ गया? Q tau by M। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, ठीक है। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, होल्स के लिए अलग होगा। बोलोगे होल्स क्या होता है? होल्स के ये भी मतलब हाँ वो पढ़ेंगे अभी, आगे अपकमिंग चैप्टर है, ठीक है। बस अभी मान लो इलेक्ट्रॉन के जैसा होल्स भी होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे होल्स भी होता है। इलेक्ट्रॉन हम तो बोले कि अभी आगे पढ़ने वाले हैं ये चीज, ठीक है, अभी आया नहीं है, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। म्यू इज इक्वल टू, ये देखो
मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो म्यू के जगह पे हमने क्या लिखा, ध्यान से देखो म्यू ई, क्या लिखा म्यू ई, तो क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे तो क्यू ई कैसे लिखेंगे, ई लिखेंगे, क्यू के जगह ई लिखेंगे, वो हमने डिस्कस हो रहा था, डिवाइडेड बाय टाउ ई, क्या लिखेंगे टाउ ई, टाउ ई, जो तुम्हारा कोलिजन जो होगा तो उनके जो बीच में मतलब जो टाइमिंग था वो इलेक्ट्रॉन के केस में टाउ ई, डिवाइडेड बाय एम ई, एम ई क्या लिखेंगे एम ई, ठीक है, फोर अ होल, होल के जिसमें होल जो पढ़ेंगे ना, ये तुम्हारा चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर, ये आपके पास पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे तो हम भी पढ़ेंगे, वेकेशन में आ जाना, मैं तो बोल ही रहा हूँ आने की क्या जरूरत है, मैं तो एक बात बोल सोचना भूल ही गया, तो हमारा ऑनलाइन भी तो चलता है, तो हमारे यहाँ मोबाइल थोड़ी है, घर पे मोबाइल नहीं है, जब तुम वेकेशन में आओ, ठीक है, स्कूल में तुम ऐसे सोच कैसे सकती हो, न्यू एच, एच मतलब होल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ई, सुनो ई इन टू टाउ एच डिवाइडेड बाय एम एच, आ गया बात समझ में, लिखो नेक्स्ट नीचे मोबिलिटी ऑफ नेटो की सर, और क्या लैम्डा है, क्या क्या ये टाउ है, टाउ एच सर, एच मतलब होल सर, म्यू ई एच को होल, हमने क्यू को ई लिखा क्या, जब म्यू ई था तब तो हमने क्यू को ई लिखा था, तो म्यू एच की ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए ई है और होल के लिए भी वही होता है, सेम ही होते हैं, मतलब एच को गाइस यहां पे लिखो मोबिलिटी ऑफ बोथ, नहीं स्टार डाल के नीचे लिखो इसी को, मोबिलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर पॉजिटिव, इनके दादाजी इसलिए पूछ रहा, मोबिलिटी ऑफ सॉरी मोबिलिटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर पॉजिटिव ऑल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर, क्या हुआ भाई, आर पॉजिटिव कॉमा ऑल्दो ए एल टी एच ओ यू जी एच देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज डियर नहीं देयर देयर हाँ डियर डियर नहीं लिख देना, देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर, मोबिलिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का ही पॉजिटिव होता है, ठीक है, देखो दोनों का आंसर जो आएंगे पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन दोनों के जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एक दूसरे के अपोजिट है, जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अगेंस्ट उनका वेलोसिटी होता है ना, तो ये मोबिलिटी आ गया समझ में चार्ज कैरियर्स का, हाँ बोलिए, अब लिखिए रिलेशन बिटवीन, हाँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट एंड मोबिलिटी फॉर अ कंडक्टर, एंड मोबिलिटी फॉर अ कंडक्टर, आप खुद से निकाल के देखिए तो रिलेशन बता सकते हैं कुछ, मोबिलिटी का भी फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट का भी फॉर्मूला पता है, दोनों में क्या रिलेशन आ सकता है सोच के देखिए तो, हाँ फिर से बोल रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ कंडक्टर, फॉर अ कंडक्टर, देखो दोनों का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, तो कॉम्पेयर मतलब रिलेशन का मतलब क्या है, दो फॉर्मूले के बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है सही है, तो निकालो तो ओके करना क्या होगा, मोबिलिटी क्या होता है वीडी वाई, ठीक है, और जो तुम्हारा करंट होता है वो क्या होता है ई एन ए वीडी, ई एन ए वीडी, हाँ तो यहाँ पे वीडी का वैल्यू पुट कर दे, वीडी का वैल्यू पुट कर दे, म्यू ई हो जाएगा, म्यू ई हो जाएगा, म्यू ई हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करंट के साथ उसका रिलेशन बताना है, बताना है, तो करंट वाले इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे, देखो करके देखते हैं, तुम खुद से भी करोगे तो हो जाएगा, परंतु तुम चाहते ही नहीं हो, म्यू ही क्या होता है, अरे मैं हूं तो क्या हूं, मैं हूं लेकिन मैं नहीं हूं,
मैं नहीं हूँ लेकिन मैं तो देना पड़ेगा ना ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है ई एन ए वी डी पता है, तो वी डी इज इक्वल टू म्यू ई हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, बट वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, यहाँ पे म्यू ई पुट कर देंगे ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई एन ए म्यू ई हो जाएगा, और ई एन ए को इधर पे ले आते हैं नीचे ले आते हैं ठीक है, तो आई डिवाइडेड बाय ई एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू ई। तो आई आई क्या आ जाएगा, अच्छा ये लाने की जरूरत ही नहीं है, आई डी क्यों लाएंगे, यही तो हो जाएगा आंसर, रुक जा ई एन ए मी बी यही हो जाएगा, ये लाने कोई फायदा नहीं होगा, ये लिखने लिख भी सकते पर तो इतना पे एक काम कितना हो गया, तो क्यों ये दोनों एक ही तो है, ये दोनों एक ही है ना, हम के किस में मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट, तो मोबिलिटी यहाँ पे क्या है म्यू ई है ना, इलेक्ट्रिक करंट ये है, दोनों में ये रिलेशन होगा, कोई दिक्कत तो ये किसके केस में था, मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर था, क्या था मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, अब जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में, देखो रिलेशन बिटवीन नहीं सेमीकंडक्टर चैप्टर 14 में अभी डायरेक्ट करेंगे, हाँ डायरेक्ट बस मेरी बातों को मान लेना है, रिलेशन बिटवीन बंटा एंड बंटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट एंड, तुमको बोल रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन बंटा एंड बंटी नहीं बोला, मैं तुमको बुला रहा हूँ ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ अटेंशन ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ सेमीकंडक्टर, पेन जो तेरा गिर रहा है तो तू उसको प्लीज बोलेगी तो ये नहीं गिरेगा, तू भी तो गिरेगा ना, क्या हुआ तो लिखो देखो कुछ हम एजम्पशन लेट कर लेते हैं उसके बाद करते हैं ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है सेमीकंडक्टर के लिए लिख, चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन, चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स, होल्स का जो चार्ज डेंसिटी उसको हम मान लेते हैं पी ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, ये कितना होगा v, क्या हो जाएगा v, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल सर एक बात हाँ पर हम पी ही क्यों लेट किया, दूसरों का अर्थ ले सकते हैं परंतु इसको पी ही बोला है बुक में करने के लिए, तो हमने भी वही किया जो मतलब दी देयर कांस्टेंट नहीं ये चार्ज डेंसिटी है ठीक है, ये निकालेंगे ये गिवन होगा, गिवन होगा हाँ अल्फाबेट है ठीक है, होल को हम कहते होल का काम लगभग प्रोटॉन के जैसा होता है इसलिए पी पी लेके ही चले ठीक है, अब देखो सेमीकंडक्टर में इन सेमीकंडक्टर टोटल करंट क्या हो जाएगा, अरे बातें मत करो ना भाई, टोटल करंट क्या हो जाएगा आई हो जाएगा ना ठीक, आई क्या होगा आई ई प्लस आई एच मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से डेवलप करंट ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा अगर हम आई ई लिखेंगे तो अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ई एन ए हाँ म्यू ई एन ए म्यू ई है ना, तो ये लिखेंगे ई एन ए म्यू ई, ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। और एक बड़ा ही अब क्या क्या बोल रही है, एक हो गया एच के लेसर लिखिए उसके बाद में बड़ा ही कहाँ से आ गया मैंने तो लिखा कैपिटल ई नहीं, ये भी तो होता है आई चार इलेक्ट्रॉन आई के फॉर्मूला में कैपिटल ई भी है अरे आई भाई इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं ई एन ए म्यू ई ठीक है। अरे ये वहाँ पे वो उस टॉपिक का हो गया ठीक है, ये तो रिलेशन है ना, रिलेशन है ना, रिलेशन की वजह से आया है ना, तो बी डी इज इक्वल टू तो आई का फॉर्मूला। अरे ये रिलेशन है भाई, ये रिलेशन वाला फॉर्मूला क्यों लोगे बिना रिलेशन का, सही है यही होता है, बंटा को बता दे समझा दे, ये रिलेशन में ही निकाले हैं वो वाला फॉर्मूला ले रहा है तो ये तो अनंत हो जाएगा। चलो और ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई एन ए ई पी एन के जगह पे पी पी एन के जगह पे पी इलेक्ट्रॉन के लिए एन इलेक्ट्रॉन के लिए एन ई पी ए म्यू एच म्यू एच हो जाएगा। बोलनी थी और पूछनी थी दो बोलो, तो फिर तो यहाँ पर एन स्क्वायर होना चाहिए क्या, अरे ये इलेक्ट्रॉन के लिए है करंट, ये है होल के लिए, तो यहाँ पे होता है ई एन ए म्यू ई ठीक है, और ये है ई एन के जगह पे पी आएगा ना, ये देखना यहाँ पे एन क्या था, एन था चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये होल के लिए ले रहे हैं, ये वाला तो होल के लिए है ना, ये वाला होल के लिए है ना, ये होल के लिए, तो ये चार्ज डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन मिलेंगे ना। हाँ और सुनो, तुम ये कहना चाह रहे हो ई ले ले, ई ले ले कोई दिक्कत नहीं ठीक है, ई ले लेने से भी दिक्कत नहीं होगा, हाँ लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। हाँ ले लो, क्योंकि वो जो रिलेशन जो था ना वो भी कंडक्टर के लिए था ठीक है, चलो ले लिए। अच्छा आप देखो अब क्या कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है इलेक्ट्रॉन के केस में, जहाँ पे ई जो था चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ई जो था तुम्हारा सर उसको वो ई जो तुम्हारा चार्ज था ठीक है, ई जो था चार्ज था ठीक है, और जो एन जो था, एन जो था चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ए था एरिया और म्यू जो था मोबिलिटी। और ये हाँ तो आप यहाँ पे देख ले, एजम्पशन नहीं दिखा दे रहा, चार्ज डेंसिटी ऑफ होल सामने से लिया। हाँ तो यहाँ पे एन के जगह पे पी आया और तो सब कुछ सेम ही है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? इससे पहले देख होल्स के लिए जो तुमने पढ़ी है, यहाँ पे भी तुमने ये लिया, यहाँ पे तो कुछ नहीं बोली, तू चुपेगी, तू बताएगी, शांत रहो ना। फोर इलेक्ट्रॉन ई लिए है, ई टाउ ई बाय एन, फोर होल, तो यहाँ पे भी तो ई है, कहाँ बदल गई, तुम क्या कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी तो, यहाँ पे तो कुछ नहीं बोली। ये वाला जो फॉर्मूला है ना सर, तो ये तो लिया ई एन ए म्यू ई ई, तो ये म्यू ई जो है ये मल्टीप्लाई नहीं है, म्यू ई एक ही है, अलग है, इसको छोड़िए, यही तो लिया है, सेम टू सेम। हाँ बोल, अब बोल क्या बोल रही है। यहाँ पर जो ई एन ए है ना, तो एन एन तो चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो होल के लिए है, वहाँ पर तो एन की जगह अपने पी लिखा है ना सर, तो मैं ए, तो यहाँ पर जो सर सुनिए बोलना, हाँ सर यहाँ पर जो एन तो ऑलरेडी है, तो फिर यहाँ पर भी एन ही है, तो फिर तो एन स्क्वायर होना चाहिए। अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है भाई, होल्स का चार्ज डेंसिटी अलग होता है। नहीं वो मैं समझ गई, ये बोल रही थी कि आई का तो ऑलरेडी एन है, एन है, तो वहाँ पे फिर से डेंसिटी का लगाया, डेंसिटी का लगाया तो स्क्वायर होना चाहिए, मतलब दो एन हो गए। हाँ दो एन तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, वही तो उसके उसके मतलब से दो एन होना चाहिए उसके, दो एन कहाँ है, एक ही एन तो दिखा रहा है, स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा, जो आय था ना, ये देखो जैसे देखो सुन सुन, आय है तुम्हारा मान ले 5 वोल्ट
हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ये हो सकता है 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं गलत बोल दिया, मतलब एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, ये बात है समझ में। ये बोला गया कि ये टोटल करंट है ना, ये इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और होल की वजह से भी बस वही है, चार्ज डेंसिटी बदल जाएगा और कुछ नहीं अलग होगा, ठीक है। चलो अब इसके वैसे कॉमन लो, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो। हाँ हेलो, हाँ क्या कौन सा टेबलेट, अभी बाद में हम बात करेंगे आप आपसे, अभी हम वो क्लास ले रहे हैं, हम बताएंगे बात। ENA इसमें भी है और ये पर N कैसे होगा, नहीं ई ए होगा, ई ए होगा, ई ए भी होगा। अरे बात कर रहा था भाई फोन पे, वैसे लिख दिया, क्या आएगा ई ए एम ई, हाँ अंदर में क्या बच गया, एन म्यू ई, एन म्यू ई बच गया, पी भी होगा ना, पी पी, अरे एन म्यू ई इसमें बचा फर्स्ट टर्म में, अभी सेकंड टर्म लिखे नहीं है, और क्या बच गया, पी म्यू एच, मैं फोन पे बात कर रहा था वैसे फ्लो में लिख दिया था, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा टोटल करंट किसमें, सेमी कंडक्टर के केस में, और किसके बीच में, मोबिलिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है। हाँ आई इज इक्वल टू तुम्हें, सानिया जबरदस्ती कर रही थी तो क्या करें। अब ये गार्जियन फोन करता है, बोलता है कि सर हम अपने बेटे के लिए टैब खरीद ले, क्या सही रहेगा ऑनलाइन क्लास के लिए, मतलब भाई हद है, ये वही छोटा सा बच्चा नहीं, गौरव रहता है वो सृष्टि का भाई, सैमसंग का टैब दे दे हमारे भाई का, टैब होगा, मैंने बोला बाद में, फर्स्ट बेंच पे बैठे हो बातें मत करो, शांत ले लो। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के लिए हम कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, क्या हुआ तो देखो, फ्रॉम ओम्स लॉ कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता था, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी क्या होता था, वी होता था आयर, नहीं मतलब उसको हमें लाना है तुम्हारा v इज इक्वल टू ई, पता था ई पोटेंशियल इज इक्वल टू ई, लिखे थे आज ही सुबह में, कैपिटल ए, एक सेकंड ये कैसे, एक सेकंड देखो मुझे सोचने दो, सॉरी ईएल, ईएल होगा, ईएल होगा, ठीक है ईएल, ये हो जाएगा तुम्हारा, हाँ ठीक है, वी इज इक्वल टू ईएल, ये लिखा है ईएल, ठीक है डिवाइडेड बाय, अच्छा आर क्या होगा, मतलब एल और ए के टर्म में, रो एल बाय ए, ठीक है तो रो एल बाय ए, एल से एल कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये बाय रो, वो मतलब से जो तुम्हारा आई आया वो आया ये बाय रो, आई इज इक्वल टू ए बाय रो, अरे उल्टा पुल्टा करके निकालना है जैसे भी हो, ठीक है अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा वहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या निकला था, यू नो दैट ई ए ई, नहीं आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू ई ए ई, हाँ बोलो, एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, ये था, इसको मान लेते इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू से दोनों को इक्वल करते हैं, फ्रॉम
इक्वेशन वन एंड टू दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल और राइट साइड इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा ई ए बाय रो इज इक्वल टू ई ए एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो देखो इस ई से ए ई से ए ई कटेगा ए ई से ए ई कट जाएगा तो वन बाय रो क्या होता है सिग्मा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा वन बाय रो सिग्मा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा ई इंटू एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच। तुम म्यू ई ऐसे लिखते हो कि लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं, ई को नीचे लिखो थोड़ा अच्छे से लिखो। और ये जो सिग्मा है तुम्हारा ये क्या है कंडक्टिविटी है। ठीक है, ये निकाल रहे थे ना कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर, हाँ कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इक्वल टू थोड़ा बहुत उल्टा पुलटा करना सीख जाओ सारे डेरिवेशन आ जाएंगे। कुछ नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बस हमें याद रखना कि किसकी मदद से क्या निकालेंगे। हाँ बोलो समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से, समझ में तो सब आ रहा है, घर जाके भूल जाते हो। सुनिए ना में अगर तुम पास होना चाह रहे हो तो फॉर्मूला रट्टा मारने से हो जाएगा 60-70% आ जाएगा आराम से। ठीक है, अगर तुम सच में चाह रहे हो कि तुम कुछ अच्छा करो तो एक एक चीज का इमेज तेरे दिमाग में रहना चाहिए, कब किसका जरूरत आ जाए कोई नहीं जानता। बनेगा मैंने कहा लिखा है बुक में लिखा है तो एक बार बता बुक से एक्स्ट्रा कुछ है क्या, एक भी टॉपिक बता बंटी एक भी टॉपिक है क्या तुम मिला के देखा या नहीं पूरा मिलता है ना एनसीईआरटी में तो बहुत शॉर्टकट में लिखा रहता है यार ऐसे करा देंगे तो तेरे को तो याद ही समझ में नहीं आएगा। आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपका आशीर्वाद देना बाकी मैं करूँ। एक मिनट का रेस्ट लेता हूँ पूरा दो मिनट कर बच्चा नहीं करो तुम लोग दिमाग लगाओ तब तक एक काम करें तुम लोग एक न्यूमेरिकल दे देते तब तक लिखो सर वो पहले वाला कर रहे हैं लिखो एक क्वेश्चन पहले वाला कर रहे हैं ना कौन वो घर पे करना ना द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ हम भी नहीं ले रहे हैं चलो हम भी कर रहे हैं हम भी तो बोल रहे हैं द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन लिखे सर लोग द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन तांबा कॉपर इन कॉपर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज 8.5 × 10⁸ एक मैं वीडियो देख रहा था वो क्या बोलते हैं यूट्यूब पे है उसमें पापा की परियों के गजब का नाम है। ठीक है, उसमें एक दो लड़की होती है पूरा एड्रेस तो याद नहीं पर थोड़ा थोड़ा कहानी याद है सुनो ना। तो दो लड़की होती है जाती है गन्ने के जूस वाले के दुकान के पास। ठीक है, तो बोलता है कि भैया ये गन्ने का जूस कितने का है तो बोलता है कि 30 रुपये गिलास मैडम। ठीक है, तो दोनों बात करते फालतू तो कितना ज़्यादा होते हैं ना भाई एक काम करती हूँ ना उसको बोलती हूँ डिस्काउंट कराने के लिए। ठीक है, तो डिस्काउंट कराएगी तो बोलते हैं एक काम करो आप ना 100 का मतलब पर ग्लास रख दो। ठीक है, 100 रुपीज़ का पर ग्लास रख दो। वो इंग्लिश मीडियम की थी हिंदी नहीं आता था उसको जैसे पिकू को नहीं आता है तो 100 मीडियम मतलब क्या बोलते हैं 100 रुपीज़ का। तो बोलता है कि नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं होगा तो उसको लगती है कि मतलब शायद ज़्यादा बोल दिया। तो बोलते हैं एक काम करो 100 का 2 ग्लास होगा मतलब वो बोलता है कि आपने ज़्यादा पैसा दे दिया और कम तो बोलता है ठीक है 100 का 2 ग्लास इससे 1 रुपये भी ज़्यादा मिलूंगी। ठीक है, बात बोलना तो क्या करेगा बोलता है
अब बोलता है कि नहीं नहीं उतना में नहीं होगा और भी ये, तो फिर बोलता नहीं और नहीं दूंगा मैं जा रही हूँ। तो बोला ठीक है पी लो, 100 रुपये दिया, 2 गिलास पिलाया, 30 रुपये गिलास था, 40 रुपये बच गया, दुकानदार का प्रॉफिट हुआ। दुकानदार नहीं लेना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं हम तो लेंगे नहीं, उसको लग रहा है कि दुकानदार ज्यादा 30 रुपये ज्यादा होता है, 50 रुपये 50 रुपये कम होता है, तो वही बात हो गया इसका। अभी मैंने बोल दिया तांबा तो लिख रहे TUMBA, ठीक है भाई साहब इतना भी अंग्रेज मत बोलो। लिखो द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज 8.5 × 10⁸ क्यूबिक मीटर m⁻³, ठीक है फुल स्टॉप। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर कॉमा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm² When connected to a battery of when connected to a battery of 3 volt नहीं given data नहीं तो कर लेगा सवाल। Given the electron mobility equal to 4.5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर वी इनवर्स एस इनवर्स, ठीक है ये हो जाएगा तुम्हारा मोबिलिटी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ए दिया हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 mm² इसको मीटर में करेंगे तो 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? वी इज इक्वल टू 3V। हाँ बैटरी, अरे क्वेश्चन हम शुरू कर दिए, हाँ आंसर शुरू हो गया मेरा, ये सब मत लिखो ना। सुनो गिवन में क्या दिया हुआ, ये सामिया बोली जा रही है तो मुझे लगा कि ये भी क्वेश्चन। गिवन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 4.5 × 10⁻⁶ ये दिया हुआ है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम यही तक दिया हुआ है, ये दोनों ही दिया हुआ है, ये तो मैं डाटा लिख रहा हूँ, ठीक है। एन कितना हो जाएगा? हाँ शुरू कर दिया, तुमको पता भी नहीं है 8.5 × 10⁻²⁸ क्यूबिक मीटर, और एल जो है तुम्हारा 0.2 मीटर, सारा चीज है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। हाँ करंट जो आप निकालेंगे तो करंट क्या होता है? ई एन ए म्यू ई बाई आई जो होता है फॉर्मूला होता है ई एन ए म्यू ई बाई सॉरी म्यू ई म्यू ई बाई नहीं म्यू ई। तो यहाँ पे तो हमारे पास सब कुछ है लेकिन ई नहीं है, तो ई हमें निकालना पड़ेगा। ई क्या हो जाएगा? अरे वो तो शुरू में लिखा है रे दादा, हाँ ये कितना हो जाएगा? 3 / 0.2 तो हो जाएगा 30 / 30 / 2 = 15 ठीक है। उसके बाद आई निकालते हैं, ठीक है आई भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ई कितना है? आई इज इक्वल टू ई एन ए म्यू ई एफ सॉरी ई, ठीक है ई का जो वैल्यू है तुम करोगे करो
आराम है हराम। मैं बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगता है, इसलिए बैठ गया। सुबह में याद है मैं तुमको लिखाते लिखाते और सो गए थे, सो गए थे, अब फिर से अचानक जाग गए। कटेगा कुटेगा कुछ नहीं, सब इंटू करो, सब इंटू होगा। 10 to the power को सॉल्व कर लो और सबको इंटू करो। आप कुछ 10 to the power निकलता है, एरर के फॉर्म में देखो, ले जाओ, 0 point something आंसर होगा। थोड़ा सा इंटू सर आपको पता है, देखिए क्या करिए करिए, यही है फिजिक्स। आप डॉक्टर बनने वाले हैं? नहीं बनने वाले, बनने वाले बनने वाले बनने वाले बनना बनना बनने रिया को खाना नहीं मिलता घर पे ना रिया, निरामिष पूरा ना। हमारा ही अच्छा, हम लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्याज लहसुन खाते रहते हैं, वो घर में भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग निरामिष में खाते प्याज लहसुन। आ गया किसका आंसर आ गया? ग्रेस कितना आया भाई बता दे, क्या कि डेसिमल में ना लेके पूरा का पूरा 10 to the power ऐसा ही कर दिया? नहीं अच्छा 108 आया सर, इतना कह सकता हूँ सर, 0.91 108 आया सर, इतना कह सकता हूँ सर। हाँ सर 108 into 10 to the power minus 29 ऐसा है मेरा। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा ग्रेस, क्या हुआ सर? 108 into 10 to the power minus 29 सबका ऐसे यूनिट लिया है तो ये एम्पियर में आएगा ना, गधा है क्या? सबका ऐसे यूनिट लेंगे तो इसका भी ऐसे यूनिट आएगा ना। नहीं मुझे लगा वोल्ट के यूज नहीं किया, करते रहिए। 1.6 × 10 to the power minus 19 × 8.5 × 10 to the power 28 × 10 to the power minus 6 × 4.5 × 10 to the power minus 6 × 15 सॉल्व करेंगे इसको तो आगे 0.918। देखो तो हमने कितना जल्दी कर लिया, तुम लोग ने मतलब मदद किया था, हुआ बंटी ने सॉल्व किया था ना आया। नहीं आपका तो आंसर है। चलो तुम लोगों को सॉल्व करने दीजिए सर, उनको खत्म करने दीजिए। तानिया सॉल्व हुआ, आंसर मैच किया। परमिता यस बोलो ना, हो गया सबका। अरे देखो 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 10 to the power minus 19 कितना हो जाएगा?
उन्नीस बीस पाँच पच्चीस माइनस थर्टी वन हो जाएगा टेन टू दावर ट्वेंटी एट के साथ क्या बचेगा टेन टू दावर माइनस थ्री बचेगा ना। आई इन सबको इंटू कर दो इसको 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 इंटू कर दो जितना भी आएगा तुम्हारा नाइन वन एट आया ये नीचे इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री ठीक है इसको डिवाइड कर देंगे इससे मतलब ऊपर जाएगा तो टेन टू दावर सॉरी टेन टू दावर माइनस थ्री है इसको जब नीचे लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा नाइन वन एट डिवाइडेड बाय एक हजार तो आ गया जीरो पॉइंट नाइन वन एट आ तो गया। क्या फालतू की तुम्हें टेंशन लेते हो इतना आसान है लाइफ में इससे आसान कुछ है क्या सबसे आसान ये क्वेश्चन था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अगला टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हुआ कल सब लोग घर जाएंगे तुम लोग खुश हो गए काफी बहुत लेकिन हाँ मैंने शाम को इसलिए टेस्ट रखा है टेस्ट शाम को रखे है ना सर मंडे को है ना मंडे को शायद कितने बजे से बोला था शायद मैं नहीं थी डॉक्टर के पास बैठ के दिन एक बार घुस गया तो निकल नहीं पाओगे ऐसा है क्या 8 बजे रात को ये लोग रात को काम करते थे तो उस दिन 5 बजे कर लेते हैं सुबह में दे दो गए मंडे को सुबह में 10 11 बजे 12 बजे जब 3 बजे 9 बजे कर लीजिए तो रात के 9 बजे लेकिन वो तुम पचास से चलो कोई बात नहीं बंटी नहीं देगा बाकी सब लोग दे देंगे कोई बात नहीं देखो द रेजिस्टिविटी अब सेंड दिखा देंगे इसको नहीं मटेरियल तेरे पास तो मोबाइल है अच्छा हम सोच रहे हैं इसके बारे में भी सोचते हैं डिपेंड्स ऑन द तुम्हारे लिए सबमिशन टाइम बढ़ा देंगे ठीक है नहीं होगा हमारे हमारे टेस्ट की एक खासियत है कि हम जो चाहे जिस बच्चे के लिए बढ़ाएंगे उसी बच्चे के लिए बढ़ेगा तुम लोग का सबमिट हो जाएगा टाइम तो सर मैं डॉक्टर की इधर से घर आके फोन करूंगा नहीं ये हमें टेस्ट पेपर तैयार करने से पहले बताना होगा थोड़े प्रोग्राम एक ही बार में होगा घर जाने से भी क्या फायदा किसी के घर नानी के घर भी नहीं जा सकते मुंह बंद कर तू 12 में आ गई बेटा दो सर ई के लास्ट में एन मीन 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 कोलिजन टाइम ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ठीक है देखो द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड ऑन द नंबर डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ठीक है एंड द मीन कोलिजन टाइम टाउ और रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ ये पढ़े हुए थे ये मत पूछना कि कैसे हुआ ठीक है तो हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर मतलब जो इसमें से मेन मेन पॉइंट अपना निकल के क्या आया तो फर्स्ट पॉइंट तो इन मेटल्स मेटल्स के केस में रो इंक्रीजेज रो इंक्रीज टेम्परेचर ठीक है रो इंक्रीज विथ टेम्परेचर सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा इन सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड इंसुलेटर्स रो डिग्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर
सेमीकंडक्टर के और इंसुलेटर के केस में रो का वैल्यू कम होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन मेटल के केस में जो रो का वैल्यू है ये बढ़ेगा जब टेम्परेचर विद टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर रो इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा मेटल के केस में, और लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो घटेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है भाई, याद रखना है और नहीं पूछना है, ठीक है। देखो, इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में रो डिक्रीजेज, रो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से मतलब इलेक्ट्रोलाइट में भी रो डिक्रीज होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स तीनों ही केस में रो घटेगा टेम्परेचर के बढ़ने से। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर इसमें भी डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट में भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट सेमीकंडक्टर इंसुलेटर तीनों में रो का वैल्यू घटेगा टेम्परेचर के बढ़ने से, और मेटल के केस में क्या होगा, बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने से, याद हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लिखो मेटल्स, हेडिंग दो मेटल्स, एक नंबर मेटल्स, इसी के स्टडी को फिर से थोड़ा सा पढ़ रहे अच्छे से, मेटल्स मेटल्स मेटल हेडिंग बना, हेडिंग हेडिंग, ठीक है, इसके अंदर स्टार पर लिखो फॉर मेटल, फॉर मेटल्स द नंबर डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द नंबर डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सर, यस सर, इज ऑलमोस्ट के बाद क्या बोला आपने, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, रिपीट कर रहा हूँ, फॉर मेटल्स द नंबर डेंसिटी ऑफ, नंबर डेंसिटी एन स्मॉल एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट लिखिए, मतलब उसी का पॉइंट है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, सुनिए लिख लिया ना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कॉमा देन द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, देन द थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल स्पीड भी बढ़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन का, एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, एंड also the amplitude of and also the amplitude of vibration of the metal ion and also the amplitude of vibration amplitude height of the maximum height of the metal, amplitude 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 of vibration of the metal ion increases क्या छूट कर दिया बोलो increases लिख लिए फुल स्टॉप consequently consequently Consequently, the free electron collide more frequently. The free electrons collide more frequently with the metal ions.
सर कोलाइड मोर के बाद क्या बोला? कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द मेटल आयंस। फुल स्टॉप। द मीन कोलिजन टाइम टाउ डिक्रीजेस। द मीन कोलिजन टाइम टाउ डिक्रीजेस। The mean collision time tau decreases. लिख दिए, आगे लिखो, hence the resistivity of metal, hence the resistivity of a metal bracket में लिखना rho directly proportional to 1 by tau, ऐसे rho directly proportional to 1 by tau, ठीक है, increases increases and the conductivity decreases and the conductivity decreases with the increase in temperature with the increase in temperature next point sir हाँ sir सर आपने जब कॉन्सिक्वेंटली के बाद एक लाइन बोला था वो लाइन कॉन्सिक्वेंटली द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द मेटल आयंस उसके बाद बोला द मीन कोलिजन टाइम टाउ डिक्रीजेज हेंस द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीजेज एंड द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक बार पढ़ के देखनी है क्या समझ में तो समझाता हूँ सर वो लास्ट में एक लाइन में समझ में सच में है कौन वो कौन सी क्यों रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा आज जिससे क्या होगा और ये कब होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तब होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर से इसमें क्या है मुझे वो मेन कोलिजन टाइम पे मेन कोलिजन देखो जब हम क्या करेंगे हीट अप करेंगे ठीक है जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का जो क्या कौन सा स्पीड था थर्मल स्पीड ठीक है तो ये बढ़ेगा जब ये बढ़ेगा तो और जल्दी जल्दी टकराएगा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे जब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे टकराएगा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता था उसमें जो टाइम तो वही तो था टाउ तो ये टाउ घटेगा कि नहीं घटेगा अब यह समझ में ठीक हो गया क्या लिखो नेक्स्ट पॉइंट अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आया देखिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल स्पीड जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाता है जब थर्मल स्पीड बढ़ जाएगा तो दो का जो कोलिजन का जो टाइम गैप है वो तो कम हो जाएगा ना तो वही तो टाउ लिखा डिक्रीज है ठीक है द मीन कोलिजन टाइम टाउ डिक्रीज है आगे लिखिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक्सप्लेन करूँ क्या सारे पॉइंट्स को या आ गया समझ में पढ़ के देख लो एक बार ये सब बातें किया जा चुका है तानिया आशीष अचूक आ गया सर सबको आ गया बस एक ही आदमी बचे थे जिसको नहीं आया था वो सानिया लिखो हमको अभी हंसी आ रहा है उस बात पे सानिया बोल रही थी एन का स्क्वायर हो जाएगा कौन सा लॉजिक लगा रही थी हमको कौन सा ऑपरेशन हमको अभी तक समझ में नहीं आएगा कैसे आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट मतलब उसी में मतलब कंटिन्यू करना है अगले पॉइंट में फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लिनियरली फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज लिनियरली with the increase in temperature for most of the metals resistivity increases linearly with the increase in temperature ज़्यादातर मेटल के लिए क्या होता है resistivity बढ़ता है जब temperature को बढ़ाया जाता है around and above the room temperature सर
विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से, फिर कॉमा, उसके बाद अराउंड द एबव, अराउंड एंड एबव द रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर के अराउंड या फिर उनसे ज्यादा ले जाने पर, फुल स्टॉप, कंटिन्यू करना है। इन सच केसेस रेजिस्टिविटी एट एनी पॉइंट टी इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी एट एनी पॉइंट, एक सेकंड रुक जाओ, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर टी, पॉइंट भी लिख देने से गलत नहीं होगा, एट एनी पॉइंट टी मतलब लोग समझ जाएंगे टेम्परेचर की बात हो रही है, एट एनी टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, क्या होगा इसका फॉर्मूला ये याद करना है भाई साहब, हाँ इसका डेरिवेशन तुम्हें करा रहा हूँ क्योंकि काम कर रहे हैं वो, रो इज इक्वल टू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा रो नॉट इन टू, न्यूमेरिकल करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि क्या है रो, क्या है रो नॉट, सब कुछ पता चल जाएगा, वन प्लस अल्फा टी माइनस, ये अल्फा है अल्फा, ठीक है अल्फा नहीं रहा भाई, अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है ये फॉर्मूला याद कर लो, इनको न्यूमेरिकल करेंगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा, वेयर कौन है बाबा लोकनाथ, ये लोकनाथ बाबा है, वेयर रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट अ लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट यूजुअली इज द, हाँ चिपक गया था सर वो, ये पूरा लाइन रो नॉट के लिए, हाँ रेजिस्टिविटी एट अ लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट जो कि होता है तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है तो यहां से अल्फा का जो वैल्यू मतलब अल्फा जो आएगा वो आएगा तुम्हारा रो माइनस रो नॉट, ठीक है डिवाइडेड बाय रो नॉट टी माइनस टी नॉट, ठीक है उसके बाद, हाँ नहीं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रोनॉट का वैल्यू कैसे होगा, ठीक है क्या बोला गया कि देखो रोनॉट जो है ना रेजिस्टिविटी है एट द लोअर रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट जो कि यूजुअली 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है आगे लिखो तो क्या रो नॉट को 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, कहाँ है हम यहीं पे सेंटर पे हैं, तो आप आइएगा तब ना, हम बोले थे ना आप आइए, आपको आने के लिए बोले थे ना, हाँ निकल रहे हैं दो मिनट रुके निकल रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी नीचे लिखो 10 द जल्दी लिखो 10 द टेम्परेचर कोफिशिएंट 10 द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा मे बी डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी the increase in resistivity per unit resistivity per degree rise in temperature rise in temperature, ठीक है उसके बाद लास्ट में लिख लो जल्दी लिखो सर यहाँ पे लिखा हुआ है
डिग्री सेल्सियस में डी सी टू डी पावर माइनस वन डिग्री ये देखो सी इनवर्स मतलब जैसे देखो 72 डिग्री ऐसे आया बात समझ में ये होगा नहीं आया बात समझ में डिग्री सेल्सियस नहीं सी टू डी पावर माइनस वन ठीक है ये होगा चलो बाकी हम अगले दिन पढ़ेंगे ठीक है आज की क्लास में इतना ही जय हिंद जय भारत आ जाएंगे।